दार्जिलिङको तीन माइल स्थित तोपगे डाँडामा दुई जोडी रेड पाण्डाले दुईवटा बच्चा जन्माए, जसमध्ये प्रसन्न र सिफुले गत 6 जुनको दिन एउटा बच्चा जन्मायो भने शोभा र बालम नामक रेड पाण्डाले गत 1 जुलाईको दिन अर्को बच्चा जन्माएको दार्जिलिङ जूका निर्देशक राजेन्द्र झाकरले जानकारी दिएका छन्। रेड पाण्डाका यी बच्चाहरू सुस्वस्थ रहेको बताउँदै उनले यिनीहरूलाई 1 वर्षसम्म आफ्नो आमासँग नै बस्न दिने पनि जनाए। दुईवटा नयाँ रेड पाण्डाको जन्मपछि दार्जिलिङ जूमा रेड पाण्डाको मोट संख्या 23 पुगेको छ। इस ब्रीडिंग सीजन में अभी तक हमारे 2 बर्थ हुए हैं। दोनों बर्थ हमारे टॉप के डाड़ा या 3rd माइल के कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में हुए हैं, और इन 2 बर्थ के साथ अब हमारे टोटल रेड पांडा के जो जू में हैं उनकी संख्या बढ़कर 23 हो गई है। अभी दोनों कब जो हैं रेस्पेक्टिव मदर्स के साथ ही हैं। अभी तो रेड पांडा 3 महीने तक अपने कब्स को हाइडिंग में रखते हैं, लेकिन जो जो कीपर्स ने जो देखा है दोनों कब अभी अच्छे हेल्दी हैं और मदर्स भी पूरा खाना और सब खा रही हैं। तो हमारी आशा है कि दोनों कब्स जो है 2-3 सितंबर अंत तक जब हम उनकी फ़ोटो ले पाएंगे तब तक काफ़ी हेल्दी होंगे। तो आपने कहा कि 2 रिस्पेक्टिव मदर्स मैंने ये दूसरे दो पेयर्स एक मदर का एक बच्चा है और दूसरे मदर का एक बच्चा है। दो पेयर्स ने बर्थ दिया है। टू पेयर्स ने, ये पेयर का नाम क्या है? पेयर जो पहला रिसेंटली जो आया था बाहर से आया था दो में बर्थ हुए और तीसरा पर जो पेयर है उसका अभी अभी बर्थ नहीं हुआ है, तो लेकिन अभी भी बर्थ का टाइम है। 15 अगस्त तक भी कई बार बर्थ होते रहते हैं। तो अभी 3rd पेयर का हमें हम निश्चिंत नहीं है कि उसमें अभी इस साल बर्थ होगा या नहीं होगा, लेकिन 2 बर्थ ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये कब तक आपका डिस्प्ले में लाया जाएगा, मेरे पास इनका नामकरण? नहीं, अभी उसमें टाइम लगेगा। डिस्प्ले में तो अभी 3 महीने तक तो मदर के पास ही हाइडिंग में रहता है जी। उसके बाद जब हम माँ के साथ करीब करीब 1 साल से ज़्यादा समय तक रखते हैं, तो कब तो डिस्प्ले में अभी नहीं आएंगे, लेकिन अभी जैसे जो जू में हमारे पास जो ऑलरेडी डिस्प्ले में है वहाँ पे उन कप्स की जब हम विनिंग करेंगे तो उसके बाद जब नए पेयरिंग होंगे तब दूसरे रेड पांडास को जू में डिस्प्ले में लाया जाएगा। अभी ऑलरेडी डिस्प्ले में 8 रेड पांडा है हमारे, और दूसरे वहाँ पे ब्रीडिंग से वो की दिन कुछ दिन आगे में वो लियोपोर्ड रिकवर रेस्क्यू हुआ था जनवरी एरिया से, उसका कुछ डिटेल्स? नहीं, वो तो दार्जिलिंग वाइल्ड लाइफ डिवीजन ने रेस्क्यू किया था उसको, उन्होंने रेस्क्यू करके और नीचे भेज दिया है बंगाल सफारी पार्क। वो क्या रिलीज वाइल्ड में रिलीज होगा कि वो उसके ट्रीटमेंट के बाद डिसाइड होगा? अभी ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने वहाँ दिया है।